उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुना गया है। वहीं आपको बता दें कि उनका कार्यकाल 3 वर्षों तक के लिए होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने स्वतंत्र देव सिंह के नाम की घोषणा की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से एहसान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहसान, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है स्वतंत्र देव सिंह, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये स्वतंत्र सिंह को 3 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों तक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक जो है भूपेंद्र यादव जी ने स्वतंत्र देव सिंह जी के नाम की घोषणा की है। सर, इससे जो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर जो उन्होंने इससे पहले ही परिवहन मंत्री थे यूपी के, और इस वक्त ये प्रदेश अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं। बहुत से मतलब कई बड़े नेताओं ने सर इसमें नामांकन किया था, वो नामांकन फिर बाद में उन लोगों ने वापस ले लिया था। तो स्वतंत्र देव सिंह के अध्यक्ष बनने से बीजेपी क्योंकि पूर्व में बूथ स्तर पर बहुत मजबूत भी है और ये माना जा रहा है आगे भी बहुत मजबूत रहेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल है और कार्यकर्ता बहुत मतलब जो कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नता भी महसूस कर रहे हैं जी। हाँ, और इसमें सर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रस्ताव किया था नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको विधान परिषद सदस्य के चयन के लिए अधिकृत किया जाए, और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का भी समर्थन इनको था और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का भी इस बात पे समर्थन था कि यही अध्यक्ष बने, स्वतंत्र देव सिंह जी ही अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश के जी। एहसान, अगर आपने वही बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की हो तो उनका क्या कुछ कहना है स्वतंत्र देव सिंह जी के बारे में? उनका ये कहना है, पूर्व में जब इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था उत्तर प्रदेश का, उस दौरान बूथ स्तर पर इन्होंने बहुत काम किए और उपचुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें इन्होंने उपचुनाव में पाई। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी है कि श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से संगठन मजबूत होगा निचले स्तर पर, क्योंकि इनके पास जो प्लान है सर बीजेपी के लिए, पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है दोबारा, वो इसलिए जताया है कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वो भी इनके कार्य से प्रसन्न रहते हैं और स्वतंत्र देव सिंह बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली लोगों के नाम जानते हैं। और स्वतंत्र देव सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनके दिमाग में हजारों नंबर फीड है, अगर आप किसी इलाके का नाम लेंगे तो वो अपनी जबान से उनका नंबर बताकर कहते हैं ये नंबर डायल करो। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खुशी है, एक बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा सर कि किस तरीके से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता स्वतंत्र देव सिंह के नारे लगाते हुए स्वागत और बधाई की तैयारियों के लिए चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा कार्यकर्ताओं में भी एक जज्बा है, जो युवा मोर्चा है इनका, उनके जो लीडर है, जो छात्र विंग है, वो भी बहुत खुश है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह का जो काम करने का तरीका है वो एक आम नेता की तरह है और जमीनी स्तर से है सर जी। शुक्रिया एहसान जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।